हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में आपको कौन सी चीज़ सरप्राइज करने वाली है क्या सरप्राइजेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इसके लिए मैं तीन पाइल्स बनाऊंगी उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे नवग्रह कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये नाइन डेज़ का अमेजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स है यू uh, नो you know, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है न्यूमरोलॉजी नहीं आती है वास्तु नहीं आती है तो कोई बात नहीं ये कैप्सूल आपकी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखता है और आप देखेंगे कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल होगा Uh, कौन से दिन आपको क्या करना है क्या पहनना है और कौन सी चीज़ें खानी हैं जो कि आपको यू नो इमेंस बेनिफिट्स देगी ये एक साइंस है फ्रेंड्स एक प्राचीन साइंस है एस्ट्रोलॉजी जिसे हम लोग यू नो भूल चुके हैं इस वक्त और काफी चीजों को हम जैसे अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं तो अंधविश्वास अंधविश्वास है लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक साइंस है तो हमें अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना है हमें समझना है कि नेचर में हर चीज का रिस्पेक्ट करना जरूरी है हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ये नाइन अमेजिंग डेज के लिए जिसमें आपको आपकी कुंडली रीडिंग और आपकी जो रेमेडीज जो कुछ आपको करना है वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा तो अब हम देखते हैं आपको क्या सरप्राइज करने वाला है इसके लिए मैं तीन फाइल्स बनाऊंगी यहां पर क्या सरप्राइज करने वाला है फाइल नंबर वन फाइल नंबर टू पाइल नंबर थ्री ठीक है आई होप आप कार्ड्स देख पा रहे हैं यस yes. तो मैं इसमें ये रख देती हूं ये एमेथिस्ट मैं ये रख रही हूं पाइल नंबर वन ग्रीन एवेंचरीन पाइल नंबर टू एंड क्लियर क्वार्ट्स पाइल नंबर थ्री तो आप चूज कर सकते हैं क्रिस्टल से चूज कर सकते हैं प्लेसमेंट से चूज कर सकते हैं जो भी आप इंट्यूटिवली फील करें और कुछ व्यूअर्स के लिए ये सारे हो सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर वन से आ, ये क्विक रीडिंग होने वाली है आपको क्या सरप्राइज करने वाला है आने वाले दिनों में तो जिन्होंने ये एमिथिस चूज किया है वेलकम पाइल नंबर वन आपको कोई ट्रुथ कुछ रिवल्यूशन आपको सरप्राइज करने वाला है ठीक है कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो आपको सरप्राइज करेगा और हम ये प्लेजेंट सरप्राइज की बात कर रहे हैं यहां पर मेरी रीडिंग्स में कोई नेगेटिव रीडिंग्स नहीं होती है फ्रेंड्स क्योंकि जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है हम हमारी ग्रोथ के लिए होता है ठीक है तो यहां पर व्यूअर्स जो भी इस फाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एमेथिस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलने वाली है यहां पर ठीक है और हम थोड़े से कार्ड्स के साथ और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सच आपके सामने आ रहा है जो आपको सरप्राइज करेगा कोई कम्युनिकेशन हो सकता है सोर्ड इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन ठीक है तो देखिए मैंने कहा था ये प्लेजेंट सरप्राइज होगा, तो कुछ सामने आएगा वाव कोई अपना मुखौटा खोल रहा है यहाँ पे उतार रहा है यू you नो know? uh, जैसे कोई uh, कुछ रिवील कर रहा है आई थिंक आप लोग कार्ड नहीं देख पा रहे हैं मैं इसको साइड कर देती हूँ yeah. Yes. तो कोई यहाँ पर यू you नो know, जैसे आपको आपको आ, कुछ ढकी छुपी चीजें यू नो रिवील होने वाली हैं और एक बैलेंस आने वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्ड में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सन और यहाँ पर मून है तो ये हमें ये बता रहा है कि एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में ठीक है और प्रपोजल हो सकता है कुछ बहुत हैप्पी न्यूज कुछ हो सकती है जो आपकी जिंदगी में आपको सरप्राइज करेगा और एक और कार्ड निकालते हैं वाह ये कार्ड हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप जैसे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं यू you नो know, किसी के लिए प्रमोशन की न्यूज हो सकती है कोई न्यू जॉब हो सकता है आ, कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है कोई नया लव ऑफर हो सकता है तो कोई भी ऐसी चीज़ है कुछ तो आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी आ, या फिर आपको जैसे यू नो मैंने कहा कि आपको कुछ कम्युनिकेशन मिलेगा कुछ रिविलेशन ऐसा होगा जो आपको खुश करेगा और ये यू नो हैप्पी हैप्पी सरप्राइज होगा आपके लिए ठीक है तो ये था पाइल नंबर वन के लिए अगर ऐसा कुछ होगा आने वाले वक्त में तो वो आपको बहुत खुश करेगा अब हम चलते हैं पाइल नंबर टू की तरफ जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचुरी सेलेक्ट किया है आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है तो ग्रीन एवेंचरीन जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर टू वेलकम आपके लिए क्या आपको सरप्राइज करने वाला है आने वाले दिनों में बहुत ही स्ट्रांग कार्ड आया है मैं इसके साथ कुछ और कार्ड्स निकालती हूं क्लैरिफायर और फिर मैं आपको बताती हूं आपको क्या सरप्राइज करने वाला है ये आप ही की स्ट्रेंथ आपको सरप्राइज करेगी फ्रेंड्स नो you know, आप जैसे अपने लिए ऐसा कुछ स्टैंड लेंगे जो आपको सरप्राइज करेगी या कोई आपके लिए स्टैंड लेगा जिंदगी में वाह wow. तो ये देखिए स्टेबिलिटी आ रही है ठीक है जैसे पावर स्टेबिलिटी और कुछ ऐसी चीज आपको सरप्राइज करेगी कोई कमिटमेंट आपको सरप्राइज कर सकता है आप कुछ ऐसे इंसान से आपको कमिटमेंट मिल सकती है ये एक लव में कमिटमेंट हो सकती है ये आपका जॉब जैसे आपकी जॉब परमानेंट हो सकती है कोई यू नो कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल सकता है जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं और ये बहुत ही जैसे आप एक अनएक्सपेक्ट क्टेड इंसान या अनएक्सपेक्टेड यू नो अनएक्सपेटेड इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको आ सकता है ये पासा पलट रहा है यहाँ पे जैसे पहले कुछ और था और अब कुछ और एनर्जी है यहाँ पर बहुत स्टेबल अब बहुत स्टेबल कमिटमेंट होने वाली है और ये आपको जैसे बहुत यू नो ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है सन हमेशा ग्रोथ ग्रोथ करवाता है देखिए जब पौधे भी ग्रो करते हैं तो सन लाइट में ग्रो करते हैं तो ये कुछ इस तरह का होगा आपके लिए कोई यू नो कमिटमेंट कोई आ, बहुत ही सॉलिड कोई ऑफर आपको सरप्राइज करेगा और ये बिल्कुल जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये उस जगह से आने वाला है आपको मिलने वाला है वह वा, बहुत ही ब्यूटीफुल ये आपकी खुद के लिए भी कमिटमेंट आपको सरप्राइज कर सकती है फ्रेंड्स जैसे आप खुद के लिए कोई ऐसा स्टैंड लेंगे यू you नो know, uh, कोई ऐसी आप अगर बहुत कमजोर एनर्जी में थे uh, you know, बहुत ही लो uh, यू नो बहुत बेचारे टाइप की एनर्जी में थे तो अब जैसे आप इतनी पावर में आ जाएंगे कि ये खुद की पावर आपको आगे सरप्राइज करने वाली है तो वेरी ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू अब हम देखते हैं पाइल नंबर फ्री के लिए ओके सो वेलकम पाइल नंबर थ्री जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्स चूज किया है आपके लिए देखते हैं कि क्या आपको सरप्राइज करेगा आने वाले दिनों में ओके तो हम इसके साथ तीन कार्ड्स निकालते हैं यहां पर और फिर हम इसे क्लैरिफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों कार्ड्स ये कार्ड हमें बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके लिए जैसे यू नो जिस चीज पर आप बहुत मेहनत कर रहे थे या आपके जो भी कर्मास रहे हैं अभी तक यू you नो know, इसकी जो आउटकम आपको सरप्राइज करेंगे ठीक है जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये ये जो आपको ये रेड वाला गोला है ये पेंटिकल ये आपको नीचे की तरफ खींच रहा है और ये वाइट ऊपर की तरफ तो कुछ ऐसा टाइम आपके ये में आ रहा है यू नो जैसे पीछे छूट जाएगा कुछ बिल्कुल जो जो भी दुख तकलीफे जो भी स्ट्रगल्स वो पीछे छूट रही है और हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है तो आपको जैसे इस वक्त आपका जो वक्त बदलेगा वो ऐसा बदलेगा वो आपको सरप्राइज कर देगा क्योंकि पहले आप एक बहुत ही जो भी व्यूअर्स ने ये कार्ड चूज किया है आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आएगा फ्रेंड्स वैसे भी क्लियर क्वार्ट्स जो है क्लैरिटी का कार्ड है यू you नो know? तो ये आपको ये बदलाव बड़ी अच्छी तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स कि अभी आपकी एनर्जी क्या है आपकी एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो रही है और आपको ये जो शिफ्टेड एनर्जी ये आपको नेम फेम की तरफ लेके जा सकती है और आपके कर्मा के रिवॉर्ड्स जो आपकी तरफ आएंगे उसके लिए आपको जैसे बोला जा रहा है यू you नो know, कि हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए ये एक अननोन चीज है ठीक है ये आपके लिए जो बहुत इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये आपको कंप्लीट सरप्राइज देगा और जैसे ये सरप्राइज ही आपको सरप्राइज करेगा और आप जो है ना अपने सारे जो भी विजडम है स्ट्रेंथ है उन सब को बस अब समेट लीजिए क्योंकि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है तो आप ट्रेवल कर सकते हैं यहाँ पर आप जो है एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं यहाँ पर आपके लिए चॉइसेस आएंगे और ये चॉइसेस ये जो नई दिशा जो आपको दिखाई जाएगी ये आपके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज होगी और ये आपको जो है देखिए ये स्टार का कार्ड है तो आपको एक बहुत ही यू नो रिक्निशन की तरफ लेकर जा रहा है बहुत ही ब्यूटिफुल डेक्शन uh, की तरफ लेकर जा रहा है तो कुछ नया कुछ नयापन आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको सरप्राइज करेगा और ये आपके साथ ऑप्शन आ सकते हैं आपको मिल सकते हैं या फिर आपका जो स्ट्रगल पीरियड है वो बिल्कुल पीछे छूट रहा है और जो अच्छी चीजों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं अब अपने जैसे लोगों को आप मिलेंगे और हार्वेस्ट टाइम अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे पीरियड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं तो ये थी आज हमारी ब्यूटीफुल रीडिंग आपको क्या सरप्राइज करने वाला है सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया